एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ज्योतिष सलाम में चर्चा करेंगे व्यवसाय के बारे में। आपकी कुंडली के द्वारा कैसे जान सकते हैं कि आप व्यवसाय की ओर प्रेरित हो सकते हैं, तो इसके लिए कुंडली में क्या देखना है। आपका जो 11वां भाव होता है वो लाभ का भाव होता है, और 11वां भाव का स्वामी को हम लाभेश कहते हैं। इसके साथ साथ में पहला भाव आपका व्यक्तित्व है, वो उसका बलवान हो के साथ बलवान होना चाहिए, और लगने की स्थिति अगर 11वां भाव से संबंध बनाती है तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति जो है अपना व्यवसाय जरूर करेगा। व्यवसाय करने के लिए बुध ग्रह का भी दशम भाव से अगर कनेक्शन बनता है या उससे प्रभाव पड़ता है दशम भाव पे बुध ग्रह का, तो बुध ग्रह भी आपका आजीविका का कारक है, तो इसके प्रभाव से आपको व्यवसाय जो होगा जातक का अच्छे से चलेगा। तो एक सरल सा तरीका हमने बताने का प्रयत्न किया कि जब भी आपका लग्नेश का संबंध 11वां भाव और उसके स्वामी से अगर बन रहा है और साथ साथ बुध ग्रह का संबंध दशम भाव से बन रहा है, तो इस तरह के जो व्यक्तित्व होता है वो अपना व्यवसाय में जरूर करते हैं और व्यवसाय की ओर उनकी अपनी इच्छा रहती है, उसकी तरफ वो जाने का उनमें प्रबल अवसर रहता है और उनका माइंडसेट भी व्यवसाय की ओर जाता है। तो ये सरल सी जानकारी देने का प्रयत्न किया, तो आप भी अपनी कुंडली को जरूर एनालाइज करके देखें कि अगर इस तरह के प्रभाव 11वां भाव लग्नेश और बुध का दशम भाव से बन रहा है तो आप व्यवसाय में ज़रूर आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इसमें शर्त यह रहती है कि जो भी लग्न भाव का स्वामी 11वां भाव का स्वामी, दशम भाव का स्वामी और बुध, ये जो है बलवान स्थिति में होना चाहिए। बलवान स्थिति का मतलब है कि ये जितने अच्छे अंशों में होंगे, अगर वो नीच के नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए, इस तरह से अगर बलवान स्थिति बनती है तो आप व्यवसाय ज़रूर कीजिए। और आपको व्यवसाय संबंधित विस्तृत वीडियो आपको प्राप्त हो सकते हैं, वो आपको हमारी जो चैनल है एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड, उस पर आप ये जो वीडियो व्यवसाय के बारे में है विस्तृत जानकारी के साथ में अपलोड किए हुए हैं, उपलब्ध हैं। आप उनका लाभ अवश्य उठाइए, और साथ साथ में अगर हमारी चैनल पसंद आ रही हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।